नमस्कार फ्रेंड। तो आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ वो अनलॉक टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अनलॉक टूल। तो आज की वीडियो में हम लोग अनलॉक टूल के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम अनलॉक टूल को कैसे ओपन करते हैं, अनलॉक टूल को कैसे चालू करते हैं, अनलॉक टूल को कैसे एक्टिवेट करते हैं, या अनलॉक टूल को कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको पूरा वीडियो देने वाला हूं। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे डोंगल से कंपेयर करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो UMT Pro डोंगल से अनलॉक टूल को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि सर UMT Pro डोंगल बेहतर है कि अनलॉक टूल बेहतर है। तो मैं आज आपको पूरा सबसे पहली बात आपको दोनों के बारे में बताने वाला हूं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है और दोनों में कंपैरिजन क्या है, क्या कैसे वर्किंग है, क्या किसका पॉज खोलता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, UMT Pro के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो वीडियो में पीछे फ्लैशबैक मेमोरी में आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं कि UMT Pro डोंगल का कैसे यूज किया जाएगा, उसका किस तरीके से उपयोग करेंगे या उसके माध्यम से कैसे हम मोबाइल फ़ोन का अनलॉकिंग फ्लैशिंग करेंगे, सारा चीज़ मैंने आपको डोंगल के बारे में बता रखा है। लेकिन आज जो अपना टॉपिक है वो अनलॉक टूल के बारे में है कि अनलॉक टूल को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि अनलॉक टूल कितने रुपए का आता है, कैसे इसको परचेस किया जाता है, परचेस करने का तरीका क्या है, कैसे खुलता है, कैसे इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कैसे इसको चलाएंगे, ये सारा चीज़ जो है वो मैं आज आपको वीडियो में टोटल आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या, जब अनलॉक टूल का यूज करेंगे तो अनलॉक टूल को जो होता है ये हमारा सबसे पहली चीज 3 मंथ सिक्स मंथ वन ईयर मतलब 3 महीने 6 महीने 12 महीने इस तरीके से सब्सक्रिप्शन में हमको मिलता है। 3 महीने 6 महीने 12 महीने हमको ऐसे सब्सक्रिप्शन में मिलता है। जो 3 महीने का होता है ये समथिंग 1600 रुपये से लेकर के 1700 रुपये का होता है। जो 6 महीने का होता है वो आपका समथिंग 2300 रुपये से लेकर के 2400 रुपये तक का होता है। उसके बाद अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 1 साल का 3800 रुपये से लेकर के 4000 का होता है। तो आप इसमें से जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी आप इसमें पैसा एक्सपेंस करना चाहते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। जो काम आपको ये करता है वही काम ये करता है, दोनों का समथिंग वर्किंग प्रोसेस सेम रहता है। लेकिन ये टूल तभी वर्किंग करेगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट होगा। क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट होगा। लेकिन ये वाला टूल तब भी काम करेगा जब नेट होगा तब भी काम करेगा और नहीं होगा तब भी काम करेगा। तो ये दोनों कंडीशन में आपका जो डोंगल चलने वाला है इस कंडीशन में भी चलेगा और जब तुम्हारा नेट नहीं होगा तब भी चलेगा। लेकिन ये भैया तो तुम्हारा जब इंटरनेट होगा तभी चलेगा। दूसरी बात का, इस डोंगल का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, अनलॉक टूल नाम से सॉफ्टवेयर खुल जाता है। और सॉफ्टवेयर खुलने के बाद आपको आईडी पासवर्ड होता है, आईडी पासवर्ड बनाना होता है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद इसमें काम होता है। तो 3 महीने का 6 महीने का 1 ईयर का इंटरनेट की सब्सक्रिप्शन पे आपको डोंगल मिल जाता है। डोंगल का मिलने के बाद इसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे, यूज करने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और इसके बारे में डोंगल को दिखाते हैं कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बार अनलॉक टूल नाम से आता है, 3 महीने 6 महीने 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आता है। अब हम बात करेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने का तरीका क्या है। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली बात है आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा अनलॉक टूल। उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा।
जब इसको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये तुम्हारे डेस्कटॉप में आ जाएगा। डेस्कटॉप में ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये समथिंग 140 MB से लेकर के 240 MB तक का सॉफ्टवेयर होता है। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन में अनलॉक टूल खुल जाएगा। जब अनलॉक टूल खुल जाएगा तो अनलॉक टूल खुलने के बाद इसमें आपको आईडी, पासवर्ड जो आपने लिया हुआ है वो आईडी पासवर्ड इसमें लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन में खुल जाएगा। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि आईडी पासवर्ड जो होता है वो आईडी पासवर्ड आपको बनाना होता है। और आईडी पासवर्ड जब आप इसमें बना लेते हैं तो आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, उसी आईडी पासवर्ड पे आपको एक्टिवेशन मिलता है। ये एक्टिवेशन मिलता है कि आप उसको कैसे एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद वो सॉफ्टवेयर कैसे खुलेगा, ये सारी चीज़ें बातें। और जो एक्टिवेशन होता है वो तुम्हारा ये वाला होता है कि 3 महीने का 6 महीने का 1 ईयर का जो आपका प्लान होता है वो इसमें एक्टिवेशन होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे इसका एक्टिवेशन होता है, कैसे इसको चालू किया जाता है। इसका मैं आपको पूरा आपको डिटेल में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से स्मार्ट डिवाइसेस की आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो कोर्स रहता है टोटल मात्र 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैंने आपको डोंगल का प्राइस वगैरह के बारे में आपको सब कुछ बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम में मोजिला खोलेंगे। मोजिला का मतलब होता है गूगल खोलना है। जब आप अपने सिस्टम में गूगल खोल लेंगे तो गूगल खोलने के बाद यहां पर आप टाइप करेंगे अनलॉक टूल। अनलॉक टूल डाउनलोड, देखिए यह अनलॉक टूल आपका ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा ले अनलॉक टूल लेटेस्ट वर्जन, आप इसे ओपन करेंगे। किसी भी साइट में जाकर के आप इसको अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ये आप इसको क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। नीचे कहीं आप देखेंगे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड लेटेस्ट अनलॉक टूल सेटअप फ्री ऑल, ये आ गया। इसको आप क्या करेंगे, ये देखिए ये नया 13/1/2023, 13 का मतलब होता है कि पिछली 13/1/2023 में नया सेटअप है। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड करने को बोलेगा। क्लिक कर देखो 146 MB का है। अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये जो तुम्हारा सेटअप है अनलॉक टूल का जो सेटअप है ये 146 MB का है। कितना है, 146 MB का है। और यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है आपके सिस्टम में। ये टूल क्या होगा, डाउनलोड होगा, ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 13 MB 14 MB 15 MB 20 MB डाउनलोड हो रहा है 5 MBPS की स्पीड से। और ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद टूल को हम लोग ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे इसके बारे में आगे बताते हैं, पहले डाउनलोड हो जाने दीजिए।
डाउनलोडिंग कंप्लीट। ये डाउनलोड होने के बाद ऐसे ओपन हो रहा है, गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है। थोड़ा सा ओपन होने में समय लगा रहा है, सिस्टम के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया है, 0 बाइट दिखा रहा है। ये देखिए अब आप इसे क्या करेंगे, फोल्डर में क्लिक करेंगे, फोल्डर में क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका अनलॉक टूल डाउनलोड हो चुका है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कट कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज किया, इसको मिनिमाइज किया, इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम आप उसको अपने स्क्रीन पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे पेस्ट करेंगे तो स्क्रीन पे पेस्ट करते ही आपके स्क्रीन में ऐसा सॉफ्टवेयर आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ये आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं अनलॉक टूल। अब अनलॉक टूल को ओपन करने के लिए सबसे पहली बात, आपके सिस्टम में पहली चीज इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट कनेक्ट होगा तब ये टूल खुलेगा, नहीं तो टूल नहीं खुलेगा। देखिए मैंने इस टूल को ओपन किया, यस, ये टूल आपके स्क्रीन में खुल जाएगा। टूल को ओपन होने में इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई तो कई बार टूल खुल के बंद भी हो जाता है, नहीं खुलता है, ऐसा भी हो जाता है, या उसको ओपन होने में समय लगता है। ये हमारा टूल नहीं ओपन हुआ, हम लोग इसको दोबारा ओपन करते हैं। एक बार दो बार टूल ओपन होने पर नहीं खुलता तो कोई दिक्कत नहीं, आप निराश ना हो, ये खुलेगा, क्योंकि ये हमारी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि बात मैंने आपको बोली। ये टूल हमारा सर्वर पे चलता है, एक बार दो बार ओपन करते हैं नहीं खुलता, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको ओपन करेंगे ओपन होगा। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जब सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा तो स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। देखिए ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से तो खुल के आ जाएगा। जब सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा तो सबसे पहली बात क्या करना होता है, आपको अपने आईडी को रजिस्टर्ड करना होता है। सबसे पहली बात क्या होती है, आप इसमें आईडी कैसे बनाएंगे, रिचार्ज इसी आईडी पे होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जब रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन चलने में थोड़ा सा समय लगाता है,
और अगर इंटरनेट की स्पीड फास्ट नहीं हुई या सिस्टम स्लो हुआ या सर्वर की प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम कर सकता है। ये नहीं खुल पा रहा है किसी कारणवश, सर्वर की वजह से। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा आईडी पासवर्ड होता है, यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड क्या करना होता है, टाइप करना होता है। देखिए यहाँ पर सर्वर पर ले जाएगा, यही हमारे सिस्टम सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम की स्पीड कैसी है, हमारा सर्वर की परफॉर्मेंस कैसी है, या इंटरनेट स्लो है। अगर इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिस कारण से इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये आपका अनलॉक टूल खुल जाएगा। अनलॉक टूल चेकिंग द डॉट सिक्योरिटी रीजन, चेकिंग इफ द कनेक्शन इन सिक्योर। ये अनलॉक टूल जब हमारा ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद यहाँ पर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बोलेगा। चेक द इंटरनेट कनेक्शन एंड रिफ्रेश, कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन को चेक करिए और रिफ्रेश करिए, देखो बोलेगा। तो हमारा नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग चलो ओपन करते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, अपना आईडी पासवर्ड क्या करना है, टाइप करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड डालना है। आपको क्या करना है, आईडी पासवर्ड जैसे आप इसमें लॉग इन कर देंगे उसके बाद आप यहां पर लॉग इन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही होगा तो आपके सिस्टम में लॉग इन हो जाएगा, अगर आईडी पासवर्ड सही नहीं होगा तो सिस्टम लॉग इन नहीं होगा। ये देखिए तो आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये हमारे इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारे इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो इसको ओपन होने में समय लगता है, ये इंटरनेट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी हाँ सर,
तो ये हमारा ओपन होने में समय लग रहा है क्योंकि ये इंटरनेट की साइड स्पीड का स्लो का प्रॉब्लम है। ये जब लॉगिन होगा तो पूरा लाइन यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल हो जाएगा। जब पूरा लॉगिन हो जाएगा तो आपका सिस्टम में ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद फिर इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ओपन हो जाने दीजिए, क्योंकि ओपन होने में बस समय लगाता है। लिखा सर्वर टाइम आउट ट्राई अगेन, कह रहे सर्वर का टाइम आउट है, आप दोबारा ट्राई करें। हमने दोबारा इसमें लॉगिन किया, प्रोसेसिंग ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन में ऐसा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद अगर आप देखेंगे इसमें MI का ऑप्शन दिया हुआ है, MI फ़ोन को यहाँ से कर सकते हैं, LG भी दिया हुआ है, नोकिया भी है, सैमसंग भी है, लिनेवो है, हवाई है, ओप्पो है, क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन है, MediaTek है, वीवो है, वी स्मार्ट है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, और तुम्हारा मिजू है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, स्पेक्ट्रम है, आसूस है। तो इतने सारे मॉडल हमारे इसमें ऐड हैं, इतने सारे मॉडल को हम लोग इसमें आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको ठीक कर सकते हैं। SPD का अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेक्ट्रम का दिया हुआ है, क्योंकि SPD के अंदर .pack फाइल लोड होती है। अगर आपके पास कोई SPD फ़ोन आता है उसको फ्लैश करना चाहते हैं, या कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है किसी भी तरीके का, यहाँ पर जाएंगे ओपन पैक फाइल, अब ये पैक फाइल ओपन हो जाएगा। माय कंप्यूटर में गए, माय कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर गए, डी के अंदर आप फ्लैश फाइल में गए, फ्लैश फाइल अगर आप देखेंगे फ्लैश फाइल, और यदि आपके पास कोई फाइल पड़ी होती है तो हम लोग ओपन करते हैं। ये देखो, ये देखिए फाइल आपकी क्या हो गई, लोड हो गई। फाइल लोड होने के बाद आप क्या कर देंगे, इसमें फ्लैश कर देंगे। जैसे आप फ्लैश कर देंगे तो फ्लैशिंग करने से आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डल जाएगा और सॉफ्टवेयर चला जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड है, MediaTek है, ये जितने भी सारे फीचर हैं, सारे फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं। ये देखिए, तो इसके अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन आएंगे सारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने का तरीका इसके अंदर दिया हुआ है, और आसानी से इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर में आने वाली प्रॉब्लम को आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। और तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अनलॉक टूल आता है उस अनलॉक टूल को चालू कैसे किया जाएगा, अनलॉक टूल को यूज कैसे किया जाएगा, यूज करने के बाद उसको कैसे हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करेंगे, या उसके माध्यम से हम लोग कैसे मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग करेंगे, ये सारा सब कुछ मैंने है आज आपको टूल के बारे में आपको समझा हुआ है। तो वीडियो में आपको कैसा समझ में आया, आज की वीडियो में मैंने आपको अनलॉक टूल के बारे में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अनलॉक टूल हमारा कैसे काम करता है, या अनलॉक टूल का काम करने का तरीका क्या है, या अनलॉक टूल की वर्किंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में आपने ये समझा कि अनलॉक टूल हमारा कितने रुपये का आता है, अनलॉक टूल को कैसे परचेस किया जाता है, अनलॉक टूल को परचेस करने के बाद उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे हम लोग अपने स्क्रीन पे ओपन करते हैं, जब हम स्क्रीन पे उसको ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद फिर उसको कैसे यूज करना होता है, या यूज करने का तरीका क्या होता है, ये भी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके अंदर के जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, जितने भी सारे फीचर होते हैं, ये एक एक करके वन बाय वन करके आपको, जैसे मैंने आपको डोंगल के बारे में समझाया है उसी तरीके से इसमें भी वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे फंक्शन सारे फीचर को मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा, और सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का है,
या हार्डवेयर रिपेयरिंग का है, अगर ऐसा कुछ कोर्स करने का या कुछ ऐसा कुछ सीखने का प्लान करना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा कोई टूल चाहिए या कोई उनको डोंगल चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए, तो वो लोग अपना हमारे नीचे दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि डोंगल का अनलॉक टूल कैसे यूज करते हैं और अनलॉक टूल के माध्यम से हम लोग कैसे मोबाइल फ़ोन का अनलॉकिंग फ्लैशिंग करते हैं, ये सारा सब कुछ मैंने आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अनलॉक टूल है उसको कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बनाया हुआ है। तो जो लोग अपना सॉफ्टवेयर संबंधित अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो कई सालों से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करते करते तो बहुत साल हो गया, लेकिन उनको इस तरीके से प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इस तरीके से सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, तो वो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे पास कल की ही बात है, कल हमारे पास एक संतोष जी हैं जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर मैं उड़ीसा से भुवनेश्वर के पास में रहने वाला हूँ, भुवनेश्वर से भी 600 किलोमीटर दूर बड़ा इंटीरियर से रहने वाला हूँ, मुझे कम से कम 10-12 साल 15 साल हो गया भटकते भटकते, कम से कम नहीं है तो कम से कम 15-20 शहर में मैं रह चुका, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, आसाम है, झारखंड है, इस तरीके से कई अलग अलग शहरों में मैं भटका, वहाँ पर काम किया, कहीं 6 महीने, कहीं 2 साल, कहीं 1 साल, इस तरीके से मैंने 10-15 जगह मैंने गुजारा। और गुजारने के बाद फिर मैं अपने घर पे आ गया और मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, लाइट वाइट का है सब ठीक ठीक करने का काम करता हूँ और मुझे रिपेयरिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं एक जगह ट्रेनिंग के लिए गया और मैंने वहाँ पर 2,500 रुपये जमा भी कर दिया, उसके बावजूद भी मुझे सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पर सीख पाऊँगा, भुवनेश्वर में ही ट्रेनिंग सेंटर था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर सीख पाऊँगा, क्योंकि सर मैं आपकी वीडियो को 5-6 महीने पहले से देख रहा था, जब 5-6 महीने से पहले वीडियो देख रहा था तो मुझे सारी वीडियो आपकी समझ में आ रही थी, और ये इतना वीडियो देखने के बाद, इतना सारा बेसिक नॉलेज लेने के बाद जब मैं कहीं और सीखने के लिए गया तो मुझे वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी, प्रॉपर तरीके से मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कल ही बोला कि सर, फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने सर के पास ही जाता हूँ जिनका मैंने वीडियो इतना देखा हुआ है, इतना सारा सब कुछ समझा हुआ है, और मुझे इतना जब वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से सीखने को मिला है तो क्यों ना मैं पर्सनली जाकर अगर ट्रेनिंग लूँ तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा समझ के, मुझे मोटिव समझ के फ़ोन किया कल रात में 9-10 बजे फ़ोन किया। 9-10 बजे फ़ोन करने के बाद आज उन्होंने मुझे अपना आईडी भी भेजा, अपना आधार कार्ड भेजा कि सर अब ये मेरा आईडी है, उन्होंने आईडी भेजा, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, डिटेल, फ़ोटो, सब कुछ अपना टोटल भेजा हुआ है, पेमेंट वगैरह भी उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करी कि सर मैं कंफर्म टिकट कराता हूँ और मैं मुझे जो टिकट मिलेगा वो रायपुर से मिलेगा, वहाँ से उड़ीसा से लेकर के वो रायपुर तक आएंगे किसी दूसरे साधन से और या बाई ट्रेन से, लेकिन मेरे को रायपुर से यहाँ तक का कंफर्म टिकट मिल रहा है तो मैं 2-3 दिन के बाद आपके पास आ जाऊँगा। तो ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और अपना पूरा एडमिशन के लिए क्लियर किया। उनको कम से कम 1-2 महीने हो गया वीडियो वॉच करते करते और उन्होंने बताया कि सर मैंने आपके चैनल से जितना सारा वीडियो था सारा वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब चीज़ों को सीख चुका हूँ लेकिन मैं अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि देखने को तो जब वीडियो देख लेते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अच्छे से सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाती हैं, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाती कि परफेक्शन नहीं आ सकती, मतलब प्रॉपर वे में नहीं काम कर सकते, प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर सकते। तो प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हमको ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको टूल के बारे में मैंने समझाया, टूल के बारे में आपको कैसा लगा, क्या सारी चीज़ें समझ में आई और वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो के बारे में आपको क्या सारी चीज़ें डाउट्स, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई डाउट्स है तो आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी आपको डोंगल चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ टूल्स इक्विपमेंट ऐसा कुछ चाहिए या उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए या टूल्स को चलाने का तरीका आपको समझना है, ऐसा कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जितने भी रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन है वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ से संबंधित वो अपनी समस्या का सोल्यूशन ले सकते हैं।
और हम आपकी मदद करेंगे और आप सब चीज़ों को सीख करके आगे बढ़े और अच्छी तरीके से काम करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई चीज़ प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी रिपेयरिंग संबंधित किसी चीज़ से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। और ट्रेनिंग लेने का तरीका क्या है, सीखने का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इस कोर्स को सीखा जाएगा, इस कोर्स सीखने के बाद कैसे बिजनेस किया जाएगा, इस बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बिजनेस करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.